अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनीलास डाइनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं लाई हूँ मसाला बड़े आलू करेले की रेसिपी, जो कि मैं बनाऊंगी अपने यूनिक तरीके से, और साथ में मैं आपको बताऊंगी कुछ ट्रिक्स जिससे कि आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आलू करेले बनाने के लिए मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैं हल्दी लूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें, और 1 टीस्पून ही मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है। 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और ये 1/2 किलो प्याज हैं, और इस तरह से आपने इनको कट करना है। 3 पाव करेले और 1 किलो आलू जो हैं वो मैं अपनी रेसिपी में यूज़ करूँगी, और आलू आपने ऐसे कट करने हैं जैसे फ्रेंच फ्राइज बनाते वक्त आप कट करते हैं, लेकिन उनकी निस्बत इसको ज़रा मोटा कट करना है। ये मैंने 5 अदद सब्ज़ मिर्चों को ऐसे बड़ी कट कर लिया है, और ये कुछ है सब्ज़ धनिया जो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अब मैं किसी एक बाउल में इन तमाम स्पाइसिस को इकट्ठा ही डाल लूँगी। ये यूनिक रेसिपी मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बताई, जो कि उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मदर इस मेथड से आलू करेले बनाया करती थी, और उनको अपनी मदर के बने हुए आलू करेले बहुत ही पसंद थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इसको बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आज मैं उन्हीं की याद में ये रेसिपी बना रही हूँ। अपने तमाम स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी करेले के अंदर। करेलों का मैंने जस्ट छिलका उतारा है, मैंने बिल्कुल भी इसको आधे घंटे के लिए कोई नमक लगा के धूप में नहीं रखा या कोई ऐसा तरीका यूज़ नहीं किया, जस्ट छिलका उतारा है और इसके अंदर मैं फिलिंग कर रही हूँ। और आपने करेलों के अंदर से जो बीज हैं वो भी बिल्कुल रिमूव नहीं करने। ये मसाला जो मैंने ड्राई मसाला मिक्स किया है, ये सारा आपने इसके अंदर फिल कर देना है। इस टाइम तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से करेलों की कड़वाहट को दूर किया जा सके। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि मैं ऐसा क्या करूंगी कि बहुत इजीली आप करेले बनाएंगे और इसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आएगा। 1 by 1 मैंने सारे करेले जो हैं वो मसाले से मैंने फिल कर लिए हैं। अब मैं इनको गर्म ऑयल में डालूँगी। अब आपके साथ मैं वो सीक्रेट शेयर करूंगी जिसकी वजह से हमारे करेले कड़वे नहीं बनेंगे। आपने करना क्या है कि आपने जब इसको फ्राई करना है तो डीप फ्राई करना है। ऑयल जो है वो कढ़ाई में ज़्यादा होना चाहिए और करेले पूरी तरह उसके अंदर डिप होने चाहिए। अब मैं साथ साथ इनकी साइड्स भी चेंज कर रही हूँ ताकि हर साइड्स पर जो है वो इक्वली कलर आए। गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर ही ये सारा प्रोसेस करें, फ्लेम को ज़्यादा हाई ना करें। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे गोल्डन कलर के ये हो गए हैं। आप इसी तरह से अपने करेले डीप फ्राई करें, आप यकीन जानें कि आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। आपने इनके ऊपर ढक्कन बिल्कुल नहीं देना, इसी तरह ऊपर से ओपन रख के आप इसको डीप फ्राई करें। और इसके अलावा एक और सीक्रेट है जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी, आपने उसको भी फॉलो करना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर इस स्टेज पर हमारे करेलों में थोड़ी बहुत कड़वाहट रह भी गई है तो उसको करने से वो कड़वाहट भी जो है वो दूर हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। करेले हमारे गोल्डन हो गए हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। कितना ज़बरदस्त कलर आया है इनके ऊपर। अब इसी ऑयल में हम आलू फ्राई करेंगे। आलू के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत जो है हसबे ज़ायका नमक लगाया है ताकि ये बिल्कुल फीके ना लगे, और फिर उसी ऑयल में हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ बहुत से लोगों की यादें जुड़ी होती हैं। मेरे फादर इन लॉ को ये आलू करेले बहुत ही पसंद थे, अपनी अम्मी के हाथ के बने हुए, तो वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि बेटा तुम भी मुझे ऐसे बना के दो, और मैं अक्सर उनको बना के खिलाया करती थी और उनको बहुत पसंद आया करते थे और वो मेरी बहुत तारीफ़ किया करते थे। वैसे तो मेरी मदर इन लॉ के खानों में भी बहुत टेस्ट था। वो अक्सर कहती थी कि मैंने इनको इतना कुछ बना के खिलाया है, लेकिन ये कभी अपनी माँ के हाथ के बने हुए आलू करेले कभी भी नहीं भूलते। आज मैं सुबह ही से उन दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आलू करेले की रेसिपी डालनी थी तो मुझे मतलब कि उन्हीं की याद आ रही थी। मेरे फादर इन लॉ ने ही मुझे बताया कि उनकी मदर ने कभी करेलों को नमक लगा के नहीं रखा था, कभी उनके बीज नहीं निकाले थे, वो ऐसे ही साबुत करेले लेती थी और उनके अंदर मसाला जो है वो फिल करती थी। तो मैंने उन्हीं के सारे मेथड को फॉलो किया है, और यकीनन ये आपको भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आलू तो मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब मैं जो है इनका मसाला तैयार करूंगी। उसके लिए मैंने 4-5 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, और उसके अंदर मैंने ये प्याज डाल दिया है, और अब मैं टमाटर डालूंगी। प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्चों की कटिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि बाज़ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि उनके अंदर हमारी कटिंग की ही खूबसूरती जो है वो नज़र आती है। इसमें लहसुन और अदरक बिल्कुल नहीं जाएगा।
सब्ज़ मिर्चें भी हम इसमें डाल देंगे, और जो मसाला हमने जब करेले की फिलिंग की थी उस वक़्त हमारा बच गया था, वो सारा मसाला जो है वो हम इस स्टेज पे इसके अंदर डाल देंगे बाकी का। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। इनको मिक्स करके मैं इधर इसी स्टेज पे इसके अंदर जो है वो करेले भी डाल दूँगी। उससे क्या होगा, हमारे करेले जो हैं वो सॉफ़्ट भी हो जाएंगे और उनकी जो थोड़ी बहुत करवाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ मैं आपको दूसरा सीक्रेट बताने लगी हूँ जिसकी वजह से आपके करेलों की जो थोड़ी बहुत करवाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपने करना क्या है कि आपने इसके ऊपर पूरा ढक्कन नहीं देना, थोड़ा सा हम गैप रखेंगे। उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका ये फ़ायदा होगा कि जब इन करेलों को जूं जूं हीट मिलेगी, इसकी जो स्टीम निकलेगी ना, उसके ज़रिए इसकी करवाहट भी जो है वो ख़त्म होगी। 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं इसके अंदर आलू भी अपने शामिल करूँगी। अब आलू शामिल करने के बाद हम मज़ीद 10 मिनट्स और इसको लो फ्लेम पे ही ऐसे रखी रहने देंगे, और अब मैं बिल्कुल इसको ऊपर से ओपन रखूँगी, बिल्कुल भी इसके ऊपर ढक्कन नहीं दूँगी 10 मिनट्स के लिए। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप खुद देखेंगे कि करेलों में किसी किस्म की करवाहट भी नहीं होगी, और जो करेलों के जो बीज हैं वो भी इतने क्रिस्पी हो जाएंगे जो कि हमें खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। वाकई आज जब हमारे पेरेंट्स भी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं तो हमें पता चलता है कि हम उनको कदम कदम पर कैसे मिस करते हैं, और माँ के हाथ का जायका तो आप जानते ही हैं, इंसान कभी भी नहीं भूलता। तो मसाला भरे आलू करेले रेडी हैं, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके करेले कड़वे बने हैं या नहीं। अब मैंने एक सर्विंग प्लेट ली है और उसके अंदर मैं इनको डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो चलिए एक अच्छी सी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नज़र आएं तो वो तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता दिखा देगा जिसके बारे में कोई जानता नहीं होगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।